दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ एडवाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर के बारे में। तो दोस्तों मुंह के छाले एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है। अगर आप मुंह के छालों से परेशान हैं और बार बार आपको मुंह के छाले हो जाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरह के उपाय बताऊँगा। एक तो आपको मैं उपाय बताऊँगा जिससे आप इंस्टेंटली रिलीफ आपको मिलेगा कि कुछ देर में ही आपके जो मुंह के छाले हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे और दो तीन दिन के लगातार प्रयोग करने से आपके जो मुंह के छाले हैं वो बिल्कुल चले जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा उपाय, अगर आपको बार बार मुंह के छालों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बार बार माउथ अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपको जो बार बार मुंह के छालों की प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, वो दोस्तों बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो माउथ अल्सर है यानी कि जो मुंह के छाले हैं वो क्यों होते हैं। दोस्तों मुंह के छाले मोस्टली दो कारणों से होते हैं। वैसे तो कई कारण हैं लेकिन मोस्टली जो दो कॉमन कारण हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, और जो दूसरा कारण है दोस्तों वो है डेफिशिएंसी ऑफ B12 यानी B12 की शरीर में मात्रा की कमी होना। दोस्तों इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इंस्टेंटली रिलीफ के लिए कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको 3-4 घरेलू उपाय बताऊंगा, इनमें से आप कोई भी एक प्रयोग कर लेना, मुंह के छाले जो हैं आपको वो इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलेगा। पहले बार के प्रयोग करने से ही आपको काफी हद तक आराम आपको मिल जाएगा और एक दो दिन जब आप इन घरेलू उपायों को लगातार प्रयोग करेंगे तो आपके मुंह के छाले जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहला जो घरेलू उपाय है दोस्तों उसके लिए आपने आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी लेनी है, उसको आपने आधा गिलास पानी में डालकर आधा घंटे के लिए आपने रख देना है और फिर इस पानी को आपने छान लेना है और इस पानी से आपने दिन में 2-3 बार आपने कुल्ला करनी है। अच्छे से मुंह में घुमाकर आपने कुल्ला करनी है और ऐसा करने से 2-3 मिनट के बाद ही आपको जो मुंह के छालों की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रयोग को आपने लगातार 2-3 दिन करना है, 2-3 दिन के लगातार प्रयोग करने से ही आपके जो मुंह के छाले हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे घरेलू उपाय के बारे में। तो दूसरे घरेलू उपाय के लिए दोस्तों आपने लेना है आंवले का रस। तो आंवले के रस को आपने मुंह के छालों पर मुलायम हाथों से आपने अंदर तक लगाना है और उसके बाद आपने लार यानी सलाइवा को आपने बाहर की तरफ टपकाना है, और जैसे ही आप इसको प्रयोग करेंगे तो इसको 5-7-10 मिनट के बाद दोस्तों आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपने दिन में 3-4 बार इसको करना है और 2-3 दिन लगातार प्रयोग करने से आपके जो मुंह के छाले हैं वो दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तीसरा जो घरेलू उपाय है वो है नीला थोता यानी कि कॉपर सल्फेट, जो आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इसको आप तवे पर थोड़ा सा भून लीजिए और फिर इसको थोड़ा सा पीस लीजिए। इस पाउडर को आपने मुंह के छालों की जगह पर आपने अप्लाई करना है, मुंह के छाले जहां पर हैं वहां पे आपने इसको लगाना है और उसके बाद लार यानी सलाइवा को आपने बाहर की तरफ टपकाना है। इसको आपने निगलना नहीं है क्योंकि ये जो नीला थोता होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट होता है वो टॉक्सिक होता है और अंदर सटकने पर यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए इसकी लार को जो है आपने बाहर की तरफ टपकाना है। दोस्तों इसके एक बार के प्रयोग से ही आपकी जो मुख्य छालों की समस्या है वैसे तो एक बार के प्रयोग से ही ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत कोई प्रॉब्लम रह जाती है तब आप 2-3 दिन के लिए इसको लगातार प्रयोग कर सकते हैं। दिन में सिर्फ एक बार आपने इसका प्रयोग करना है। दोस्तों चौथा जो घरेलू उपाय है, फिटकरी को तवे पर आप भून लीजिए और उसको बारीक पीस लीजिए। ये जो आपके पास पाउडर तैयार होगा इसको आप ग्लिसरीन में आप मिला लीजिए और मुंह के छालों पर आपने लगाना है। दोस्तों पहली बार के प्रयोग से ही आपके जो मुंह के छाले हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे और इसको आप 2-3 दिन लगातार प्रयोग कीजिए, आपके जो मुंह के छाले हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छालों के परमानेंट सोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों मेन जो कारणों की अगर हम बात करें तो मुख्य जो कारण है वो है दो, B12 की कमी और कॉन्स्टिपेशन। तो B12 की कमी में दोस्तों सलाद आपने बहुत ज़्यादा खाना है और सलाद में भी आपने ककुम्बर यानी खीरे की जो मात्रा है वो आपने बढ़ा देनी है। खीरे के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 होता है दोस्तों, तो आप फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, आप रोटी कम खाएँ और दूध से बनी जितनी चीज़ें हैं दोस्तों उनमें B12 की प्रचुर मात्रा होती है और दूध से बनी हुई चीज़ें में जो दही होती है यानी कर्ड होती है उसमें B12 बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आपने रूटीन में दही का सेवन करना है। तो दही आप रोज खाइए, इसके साथ साथ आप हरी सब्जियां आप ज्यादा खाइए, हरी सब्जियों में B12 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है।
तो दोस्तों B12 की जो मात्रा है वो आप पूरी कीजिए तो आपकी जो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है यानी मुंह के छालों की प्रॉब्लम है वो सदा सदा के लिए आपकी चली जाएगी। इसके साथ साथ कब्ज का आपने पूरा ध्यान रखना है कि कब्ज आपको नहीं होने पाए। दोस्तों अगर आपको कब्ज है तब आप तली हुई मसालेदार चीज़ें आप ये कम कर दीजिए। इसके साथ साथ 8 से 10 गिलास पानी आपने रोज पीना है। कब्ज के लिए आप पपीता खा सकते हैं, कब्ज के लिए आप इसबगोल की भूसी आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों कब्ज से संबंधित हमारे YouTube चैनल पर भी कई वीडियो हैं, आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।